सोल म्यूज़ियम से बाहर आ चुका हूँ और अंदर में भाई जितना भी मैंने मतलब वीडियो शूट किया था, बाहर गेट पर आते ही गार्ड अंकल ने भाई फ़ोन चेक किया और सारा वीडियो भाई डिलीट कर दिया। भाई दिमाग ख़राब हो गया। और पहले उन्होंने बताया नहीं था कि अंदर में भाई फ़ोटोग्राफी और वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं बनाता ही नहीं। मतलब यार मतलब पूरा दिन ख़राब हो गया आज, इसीलिए सारा डिलीट भी कर दिया। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया, कुछ 1.5-2 मिनट की वीडियो थी वो डिलीट करने के बाद। ये है नेशनल डोल म्यूज़ियम का टिकट, आप इस पर लिखा हुआ है शंकर इंटरनेशनल डोल नेहरू हाउस, पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। और ये मेरे को पड़ा है भाई 30 रुपीज़ का। ये देख सकते हैं भाई कितने सारे डोल रखे हुए हैं अलग अलग कंट्री के। यहाँ पर जो आपको जितने भी डोल दिखाई दे रहे हैं ये भाई ये जर्मनी का है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ अपने दिल्ली के नेशनल डोल म्यूजियम में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या पड़ता है, क्या टिकट प्राइस है, क्या टाइमिंग है, वगैरह वगैरह। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस डोल म्यूजियम के बारे में बता दूं कि जो डोल म्यूजियम है इसको 30 नवंबर 1965 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा इसको उद्घाटन किया गया था और उसी समय ही इसको आम लोगों के लिए ओपन भी कर दिया गया था। और यहाँ पर उस समय 1000 से भी ज़्यादा जो मूर्तियाँ जो डोल्स थे उसको इसके अंदर रखा गया था, बट वर्तमान में इसके अंदर 7000 से भी ज़्यादा जो डोल्स हैं उसको इसके अंदर रखा गया है। और अगर मैं कंट्रीज़ की बात करूँ तो पूरी दुनिया से इसमें यूरोप, अमेरिका और मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के जो कुछ देश हैं उसके सभी डोल्स को इसके अंदर रखा गया है। अगर हम यूरोप की बात करें उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और भी कई सारे इटली, कई सारे जो देश हैं उसके जो डोल्स हैं इसके अंदर इसको रखा गया है। और अगर मैं बात करूँ अमेरिका की तो उसके अंदर सिर्फ अमेरिका के ही डोल्स को इसके अंदर रखा गया है। और मध्य एशिया में भारत है उसके आसपास के जो पड़ोसी देश उसके जो डोल्स हैं उसको इसके अंदर रखा गया है। और दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया और भी उसके आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं उसके डोल्स को इसके अंदर रखा गया है। और इसके अगर पूरे एरिया की बात करूँ तो 5184 वर्ग फीट में ये जो डोल म्यूजियम है ये पूरा फैला हुआ है। आज की इस वीडियो में इस डोल म्यूजियम को एक्सप्लोर करते हैं। फिलहाल मैं अभी नेशनल डोल म्यूजियम के गेट पर खड़ा हूँ, देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब बोर्ड लगा हुआ है डोल म्यूजियम का, तो ये वाला इसका एंट्री गेट है। तो चलते हैं, सीधा एंट्री करते हैं। और ये भाई ITO का गेट नंबर 4 है, इसके सामने ही पड़ता है। चलते हैं पहले गेट से अंदर एंट्री करते हैं। भाई आप ये देख सकते हैं, ये है नेशनल डोल म्यूजियम का टिकट, आप इस पर लिखा हुआ है शंकर इंटरनेशनल डोल नेहरू हाउस, पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। और ये मेरे को पड़ा है भाई 30 रुपीज़ का। तो कुछ इस तरीके का भाई टिकट है। तो भाई मैं फ़िलहाल अभी डोल म्यूजियम के अंदर एंट्री कर चुका हूँ। और ये आप ये देख सकते हैं भाई कितने सारे डोल रखे हुए हैं अलग अलग कंट्री के। यहाँ पर जो आपको जितने भी डोल दिखाई दे रहे हैं ये भाई ये जर्मनी का है। और अंदर में भाई वीडियो और फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, बट फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, देख सकते हैं। ये सब जितने भी आपको इस वाले बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं डोल, ये सारे के सारे जर्मनी के हैं। और ये भाई जितने भी आपको डोल दिखाई दे रहे हैं ये वाले पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल का वो झंडा लगा हुआ है। और मतलब डोल के माध्यम से ही जो पूरा समाज है, समाज के लोग हैं उनको मतलब डोल के माध्यम से दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। इस साइड में आपको पूरा यूरोप का दिखाई देगा और ये है भाई स्पेन का, तो ये उनका झंडा है। और इस तरीके से जो औरतें हैं जो कपड़े वगैरह पहनते हैं, उनका जो रहन सहन है, किस तरीके से वो रहते हैं, ये सब कुछ डोल के माध्यम से दिखाया गया है। और यहाँ पर आपको बल्गारिया के जो डोल है यहाँ पर दिखाई देंगे, तो देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको बल्गारिया के ही दिखाई देंगे। तो मतलब अलग अलग देशों में जो डोल्स हैं उनमें भी काफ़ी मतलब वैरायटीज़ आ जाती हैं। जो यूरोप में आप देखेंगे कि उनके जो लोग हैं वो मतलब काफ़ी मतलब गोरे गोरे होते हैं, और अपने एशिया में मतलब थोड़े से सांवले होते हैं। उसी तरीके से भाई इन डोलों को भी बनाया गया है, देख सकते हैं इतने गोरे गोरे भाई डोल हैं। अभी अब मैं आपको एशिया वाले में लेकर चलूँगा, आप देखना भाई मतलब कितने मतलब सांवले से दिखाई देंगे आप। ये भी आपको पूरा भाई बुल्गारिया का दिखाई देगा डोल, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। तो भाई फ़िलहाल मैं अभी डोल म्यूज़ियम से बाहर आ चुका हूँ और अंदर में भाई जितना भी मैंने मतलब वीडियो शूट किया था, बाहर गेट पर आते ही गार्ड अंकल ने भाई फ़ोन चेक किया
और सारा वीडियो भाई डिलीट कर दिया भाई, दिमाग ख़राब हो गया। और पहले उन्होंने बताया नहीं था कि अंदर में भाई फोटोग्राफी और वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं बनाता ही नहीं। मतलब यार मतलब पूरा दिन ख़राब हो गया आज, इसीलिए सारा डिलीट भी कर दिया, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया। कुछ डेढ़ दो मिनट की वीडियो थी, वो डिलीट करने के बाद कुछ थ्रेस में रह जाती है, वही वीडियो बची गई, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी भाई सारा डिलीट कर दिया इन्होंने, आई एम सो सॉरी भाई, इसलिए मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया। तो गाइस अब हम इस म्यूजियम के टाइमिंग, टिकट प्राइस और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन से पड़ते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टिकट प्राइस के बारे में। तो एडल्ट के लिए 30 रुपये टिकट प्राइस और बच्चों के लिए 15 रुपये। और अगर हम इसके टाइमिंग की बात करें तो ये हफ्तों के 6 दिन खुला रहता है, मंडे को क्लोज रहता है, और बाकी दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक के बीच में ये ओपन रहता है। तो आप इस बीच में यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। और अगर मैं इसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है ITO मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4, वहाँ से ये इजीली शाम नहीं पड़ता है, तो वहाँ से आप पैदल सामने गेट पर ही निकलेंगे सीधा। तो गाइस आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरीके से आप अपने भाई के साथ जर्नी करते रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू।